हेलो गाइस, वेलकम टू अपकमिंग बैंकर यूट्यूब चैनल। सो अल्टीमेटली द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका जो जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क का नोटिफिकेशन है वो निकल दिया गया और एप्लीकेशन कल से यानी कि 7th of September 2022 से लेकर 27th of September 2022 तक ये एप्लीकेशन चलेगा। तो इसका हर एक डिटेल्स मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। उससे पहले जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हो वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना और अपने जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ शेयर कर देना। और जो भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स से आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चले आते हैं नोटिफिकेशन पर। तो ये रहा नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर हर एक स्टेट का वैकेंसी आप लोग देख सकते हो। मैं खास करके वेस्ट बंगाल का वैकेंसी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका वैकेंसी पहले बार से इस बार थोड़ा सा बड़ा है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है हर एक स्टेट को मिलाकर 5008। तो वैकेंसी थोड़ा और बढ़ सकता है फाइनल सिलेक्शन तक। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। फर्स्ट जो एज लिमिट है वो आप लोग 20 से 28 एज के अंदर हो आपका एज, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का और ओबीसी के लिए 3 इयर्स का यहाँ पर एज का छूट है। ओके, नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का ग्रेजुएट का डिग्री नोटिफिकेशन निकलने तक अर्थात 30/11/2022 के बिफोर में आप लोगों का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर्स यहाँ पर है। फर्स्ट प्री एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, जहाँ पर इंग्लिश में 30 और क्वांट और रीजनिंग में 35 35, टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। वहाँ पर सेक्शनल कटअप कुछ नहीं होता है। और उसके बाद जो लोग प्री पास करेगा उन लोगों के लिए मेंस का एग्ज़ाम होगा 200 मार्क्स के। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आवर्स है 2 आवर्स एंड 40 मिनट। तो आप कोई एक पार्टिकुलर स्टेट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात है कि आप जिस स्टेट में से बिलोंग करते हो वहाँ पर ही आपका प्री का एग्ज़ाम होगा। एक बार देख लो यहाँ पर पे स्केल कितना रहता है। तो पे स्केल रहता है 17,900 से लेकर, यहाँ पर बेसिक पे होता है 19,900 जो लोगों का ग्रेजुएशन हो गया है। 47,920। तो यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी का। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक सर्विसमैन, इन लोगों का कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं रखा गया है। और जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 750। तो आप लोग कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके सीधा एसबीआई का करियर का ऑप्शन में चला जाओगे आप लोग। वहाँ पर से आप लोग इस एप्लीकेशन को भर सकते हो। तो एप्लीकेशन को भरने के लिए आप लोगों का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसको आपको फिल करके स्कैन करना है और वहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर कोई भी आप लोगों का डाउट होता है एप्लीकेशन फिल करने में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना कि क्या डाउट है, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइज़।